हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 48। क्या कह रहा है कि ये फ्लैग स्टफ स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 5 मीटर हाई टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक टावर ले लेते हैं जिसका हाइट हमारे पास दिया है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर हाइट है। ठीक है, और इसी के ऊपर हम लोग एक फ्लैग स्टफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, हम लोग यहाँ पे एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ यानी यहां का 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द किसके टावर यानी यहाँ का 45 डिग्री हो रहा। ये 45 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। ए बी सी डी, यहाँ पे ये बी सी आपका टावर हो गया और उसके ऊपर ये सी डी फ्लैग स्टफ हो गया। टावर का यहाँ पे 5 मीटर हाई दिया है टावर है और इसके ऊपर फ्लैग स्टफ को एक्स सपोज कर लेते हैं और इस टावर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग वाई ले लेते हैं। ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इक्वल टू में एक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड to the टावर बी वाई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, टेन थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। इन ट्रेंगल पहले ए बी सी में चलते हैं, टेन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि बी सी बाई में आपका ए बी, ये वन होता है, ये 5 मीटर और बाई में वाई यानी कि यहां से वाई आ जाएगा आपका 5 मीटर। अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल में आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर बी डी और बाई में बेस ए बी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, बी डी है आपका एक्स प्लस का 5 और यह एक्स प्लस 5 मीटर एंड ए बी है आपका वाई। √3 इक्वल टू में एक्स प्लस का 5 मीटर बाई वाई का वैल्यू है 5 मीटर, इलाके मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 5 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 5√3 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू में 5√3 माइनस का 5 मीटर, यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके वैल्यू को देखेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 5 इंटू में इसका 1.732 माइनस 1 मीटर तो 5 इंटू में आ जाएगा 0.732 मीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.732 मीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3.66 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ क्या हो जाएगा आपका 3.66 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर